Moving on, the Congress party has approached the Election Commission against Prime Minister Modi for comparing the Congress with erstwhile Muslim League. The Congress had released its manifesto or Nyay Patra last Friday. 2 days later, the Prime Minister, while addressing an election rally, said that the Congress's promises will take India backwards and it reflects the thoughts of the Muslim League. The Congress has been quick to hit back, reminding the Prime Minister that his party's ancestors had allied with the Muslim League before independence. कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की हर चुनाव आयोग के हर नियम हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं, उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो। असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है। ये प्रजातंत्र है, हम जनता हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए। और हर उस नियम का जो उल्लंघन हो रहा है हम लगातार चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, इस पर भी जाएंगे, अन्य चीजों पर भी जाएंगे। और हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, जिसके ऊपर दारमोदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो जरूर इन बातों को संज्ञान में लेगी और इस पर एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं।